हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं करजत में, और करजत में हम लोग आज रहने वाले हैं एक रिसोर्ट में जिसका नाम है अविस विलेज। ये जो रिसोर्ट है वो करजत स्टेशन से समथिंग 7 to 8 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। इस रिसोर्ट को टोटल 15 एकड़ में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। इसमें से 60% डेवलपमेंट हो गया है और रिमेनिंग डेवलपमेंट अभी चालू है। आप जैसे ही रिसोर्ट के अंदर आते हो, आपको आजू बाजू में हरियाली दिखती है और यहाँ पे आजू बाजू में आपको पहाड़ भी दिखने के लिए मिलते हैं। हम लोग चलिए अभी आगे जाते हैं। ये सामने आपको पार्किंग लॉट दिखेगा जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो मुंबई टू करजत है डिस्टेंस 62 किलोमीटर्स, और यहाँ पे आने के लिए आपको बहुत सारे लोकल ट्रेन भी अवेलेबल है। और अगर आप पुणे से आ रहे हैं तो पुणे टू करजत आपको ये डिस्टेंस पड़ेगा 110 किलोमीटर। तो पुणे से आने के लिए आपको बहुत सारे एक्सप्रेस मिलेंगे जो करजत हॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे लेफ्ट में देखिए तो आपको यहाँ पे एक पिकॉक दिखेगा जो नॉर्मली हम लोगों को वहाँ पर अपने यहाँ पे कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलता है। सो चलिए अभी हम लोग आगे जाते हैं। जब तक हम लोगों के बैग सब भी, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अपने अपने बैग लेके अपने रूम में जा भी चुके हैं, तब तक मैं आपको सब एरिया बताती हूँ। तो ये है हम लोगों का रूम जहाँ पर हम लोगों को रहना है। हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, तो अभी रूम्स कैसे हैं वो देखने के लिए अंदर चलते हैं। तो ये है वो रूम जहाँ पे हम लोग सब फ्रेंड्स एंजॉय करने वाले हैं, रहने वाले हैं। चलिए अभी अंदर जाके रूम्स देखते हैं कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं रूम्स बहुत ही बड़े हैं। अगर आपको चाहिए एसी तो आप यहाँ पे एसी रूम्स भी ले सकते हैं, नॉन एसी रूम चाहिए तो नॉन एसी भी ले सकते हैं। रूम्स का जो एरिया है वो भी बहुत बड़ा है, स्पेशियस है, जिसमें आप 9 to 10 पीपल आराम से रह सकते हैं। यहाँ पे आए तो भी हम लोगों को बहुत भूख लगी थी, तो यहाँ पे आपको नाश्ता भी आने के बाद अवेलेबल है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों को जो नाश्ता मिला वो था मिसल पाव, पोहा और भुर्जी पाव। तो हम लोगों ने पेट भर के नाश्ता किया। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। जो एरिया बहुत ही बड़ा है तो उसको हम लोग देखना चाहते कि यहाँ पे क्या क्या है। तो आप भी देखिए हमारे साथ, आप देख सकते हैं हर जगह पे यहाँ पे आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे। मीन्स एक नेचुरल लुक यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो स्पेशली शहरों में एक्चुअली देखने के लिए नहीं मिलता है। सामने आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड दिखेगा जहाँ पे बच्चे बड़े यहाँ पे मस्त आराम से खेल सकते हैं। तो ये है वो ग्राउंड जो बहुत बड़ा है। ये जो रिसोर्ट है वो एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे आपको आजू बाजू में बहुत शांतता मिलेगी, जहाँ पे नो नॉइस, ना कोई पोल्यूशन है यहाँ पे हर जगह पे आपको पेड़ पौधे देखने के लिए मिलेंगे जो नॉर्मली अपने शहरों में नहीं होता है। हम लोगों के बिजी लाइफ में एक्चुअली हम लोगों को जो पीस, जो शांति से चाहिए रहती है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्या क्या है वो देखने के लिए। जहाँ पे हम लोगों का रूम है वहीं पे है ये बड़ा सा स्विमिंग पूल। आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी है और बड़े लोगों के लिए भी स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी बहुत बड़ा है। और ये है यहाँ पे
एक स्पेस यहाँ, जैसे आप यहाँ पे आराम से बैठ के अपना चाय नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं, कुछ खेल सकते हैं, कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। इस रिसोर्ट के चार्जेस भी बहुत अफोर्डेबल है, जैसे 1,500 पर पर्सन चार्जेस है। इसमें इंक्लूड होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो आप चेक इन करते हैं तभी जो आपको ब्रेकफास्ट मिलता है वो, देन मिलता है लंच, देन है इवनिंग में टी एंड रात को डिनर, और अगेन मॉर्निंग में जब आप चेकआउट करते हैं उसके पहले आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता है। तो इट्स क्वाइट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन दोज हु आर इंटरेस्टेड टू कम हियर। तो थोड़ा भी आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक ब्रिज, और ब्रिज के नीचे है बहुत सारा पानी। एक्चुअली ये जो पानी है वो रेनी सीजन में बहुत ऊपर तक भरा रहता है, तो यहाँ पे बोटिंग भी होती है। फ्रेंड्स, ये एक पीसफुल और नॉइसलेस जगह है, तो फिर आप यहाँ पे आराम से रिलैक्स हो सकते हो, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्त एंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो जगह है वो बहुत ही प्लीजेंट जगह है, आपको भी अच्छी लगी कि हमें भी बहुत अच्छी लगी, हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। आप भी आपके फ्रेंड्स के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए और एंजॉय कीजिए, और आपका एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।